हमें बहुत खुशी है सबको। आज अभी हमने आपने देखा पूरा कांग्रेस परिवार हमारे देश के सभी ओलंपिक के कंटिंजेंट को हम बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। भारत देश का तिरंगा ऊंचा जाए, हमारा राष्ट्रगान की गूंज दुनिया कोने कोने में सुने, ऐसी हमारी कांग्रेस रोहतक के कांग्रेस परिवार की भावना है। और हम मन्नू बाकर को बधाई देते हैं, हम मन्नू बाकर के परिवार को बधाई देते हैं, हम उनके पिताजी रामकिशन बाकर को बधाई देते हैं। हमें गर्व है कि हमारे रोहतक लोकसभा क्षेत्र के एक छोटे से गांव की एक बेटी पहला मेडल देश के लिए अर्जित कर पाई है। ये पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र आज जो है खुशी से झूम रहा है, आज हरियाणा खुशी से झूम रहा है। हमें हरियाणा खिलाड़ियों पर भी गर्व है कि आज ओलंपिक के कंटिंजेंट में हर पिछले 4 ओलंपिक्स के अपनी परंपरा को बरकरार रखते हुए हरियाणा के 21% खिलाड़ी देश की तरफ से जो गए ओलंपिक कंटिंजेंट में वो हरियाणा से आए। मात्र 2% आबादी और 21% भारतीय टीम के अंदर खिलाड़ी और मैं समझता हूँ 50% मेडल, ये श्रृंखला हरियाणा की हमेशा जारी रहेगी। लेकिन दुर्भाग्य ये जरूर है कि खेलो इंडिया का जो बजट जो परसों उत्तर मिला संसद में हमारे प्रश्न पे, उसमें ये बात आई कि हरियाणा को मात्र 3% बजट मिला खेलो इंडिया में। और बहुत से ऐसे प्रदेश जिनके एक भी खिलाड़ी नहीं है कंटिंजेंट में, लेकिन ज़्यादातर खेलो इंडिया का बजट बहुत से अन्य प्रदेशों को मिला। जैसे इसके उदाहरण के रूप में गुजरात की बात करूँ, खेलो इंडिया का सबसे ज़्यादा बजट गुजरात में मिला और ओलंपिक की बिड भी गुजरात में के लिए की जा रही है। हमें खुशी है, हमें कोई किसी प्रदेश से द्वेष नहीं है, लेकिन हरियाणा को क्यों नहीं मिल रहा बजट? हरियाणा के खिलाड़ी पिछले 4 ओलंपिक में 2008, 2014, 2012, 8, 12, 16 और 20, 4 ओलंपिक में हरियाणा खिलाड़ियों ने देश को मिलने वाले मेडल्स में से 60% मेडल लेके आए हैं। और आज तक देश की आज़ादी से आज तक 23 मेडल जो मिले देश को, उसमें से 10 मेडल हरियाणा खिलाड़ी लेके आए। तो खेलो इंडिया में हरियाणा को भी बजट मिलता तो मैं समझता हूँ वो एक न्याय संगत बात रहती। नमस्कार, मैं हूँ मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.